गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है ना? बोलो, जी सर। पिक्चर दिखाई दे रहा है? क्लियर है? यस। लास्ट में क्या बताया था? लास्ट क्लास में सर ट्रायल सेट सिस्टम में एग्जाम चल रहा ऑटोमेटेड था। क्या ऑटोमेटिज्म। चल रहा था? ओके ओके ओके, कीटो इन ऑल डाटा मुझे बता रहे हो, है ना? यस सर। वही ना? उसको डिटेल में बताने आ हाँ जाता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया था आपने। हाँ यस यस। देखो, एक एक दिन एक क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन। इसमें एक और पॉसिबल आइसोमर बनेगा, आप लोग ने मिस किया था या नहीं बताया था। हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, इसको ये वाला, हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, बेनिन रिंग, एक दिया था ना ऐसे क्वेश्चन, विद मॉलिकुलर फॉर्मूला MF कितना था? हमारे समझ से C8H8O2 होगा, C8H8O2। इसका कितना निकाला था? इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बच्चों, फोर सर नाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फाइव एस्टर्स। तो हम लोग नाइन ही बन रहे थे ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो इसके तो हमारे समझ से नाइन ही बनेंगे। ये वाला लिखा था ना, जरा एक बार चेक कर लेना। तो ये वाला ऐड था कि नहीं ऐड था? लिखा लिखा ही है। हाँ सर, लिखा है। एक बार मैं बना रहा हूं, जरा चेक करना, तो कोई मिसिंग तो नहीं है ना? ये CH2COH और सारे ए लिए थे हमने इसमें, फिर आपने बताया कि सिर्फ यही टाइप के होने ए चाहिए। ए एक मिनट एक मिनट, वही मैं बोल रहा हूँ, इसमें थ्री हो जाएंगे, तो 3+1=4 हो गया। और फिर एक ये लिखा था कि नहीं, देख लो आप लोग, चेक कर लो, OCOCH3, है ना? फिर इसमें एक ये हो जाएगा CH2, हो सकता है मिस किया हो, C=OH, ये वाला किया था। नहीं सर, ये नहीं किया था। ये भी तो एस्टर ही है ना यार, 10 इसीलिए आएगा। राइट बच्चे, OC=OH, और इसके कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे, ऑर्थो मेटा पैरा। ओके, और कितने हो जाएंगे? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो जाएंगे, 9 नहीं 10 होंगे। इसके थ्री कौन से? ऑर्थो मेटा पैरा, और इसके भी ऑर्थो मेटा पैरा। एक और बना लेना, ये वाला बना लेना। कौन सा मिसिंग था हमारे समझ से? ये वाला मिसिंग था। हाँ सर। यस सही बात। ये भी तो एस्टर ही है ना, LDI थोड़े वन। इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल फॉर्मेट बोलेंगे। आईपेक नेम इसका बेंजाइल फॉर्मेट है, 8 है ना, एस्टर है ये।
पेरेंट चेन कितने की है? वन की है। वो मिस किया था हम लोगों ने, इसको जरूर नोट कर लेना, वहीं पे नोट कर लेना या एक्स्ट्रा लिख लेना, ठीक है। देखो हम लोग टॉटोमेरिज्म में कर रहे थे, टॉटोमेरिज्म में डन ना, एक मिनट सर। आज मैंने क्वेश्चन और भेजे हैं, वो उसको भी सॉल्व करना है, देख रहे हो आप सर? बट इसमें तो हमने 21 लिखा था ना, C8H8O2 में। अरे एसिड एस्टर, मैंने चेंज किया था ना क्वेश्चन, 21 से ऊपर होता है वो। हाँ सर, एसिड और एस्टर बनाना था या बराबर विद बेंजीन नहीं। बराबर जी सर। हम लोग जैसे टॉटोमेरिज्म के एग्जाम्पल कर रहे थे, टॉटोमेरिज्म के और उसमें क्या कर रहे थे टॉटोमेरिज्म में, कीटो इनॉल ना। हाँ सर, शॉर्टकट मेथड आपने बताया। हाँ डिटेल मैकेनिज्म भी बताते हैं, तो वो तो आपने कीटो फॉर्म के लिए वो समझ लिया है कि कैसे होगा। जैसे पूछा जाएगी ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो आप क्या बोलोगे, ये शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। नहीं करेगा, ये ना तो कीटो है ना तो इनॉल है, ये कीटो इनॉल नहीं है ना। बोलिए, इनॉल का मतलब एक ही कार्बन पे OH होना चाहिए, एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे ये इनॉल है, ये क्या करेगा, कीटो करेगा। बराबर, कोई कंफ्यूजन? सर बट अल्फा कार्बन पे sp3 तो है ना। अरे वो कीटो फॉर्म के लिए है ना, पूरा पूरा कंप्लीट बेटा, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, वो कीटो फॉर्म के लिए है ना रूल। हाँ सर, तो ये कीटोन थोड़े है, कीटोन थोड़े है, कीटो फॉर्म थोड़े है इसमें, है ना। मान लो मैंने ये दे दिया, ये दे दिया डबल बॉन्ड हो, अब यहाँ पे अल्फा कार्बन है ना, ये कीटोइन आल्सो करेगा, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी इनॉल की हो सकती है, ये भी बन सकता है इनॉल, इसका ये भी इनॉल बन सकता है। अच्छा, ओपे डबल बॉन्ड होना चाहिए ऐसा कह रहे हो? हाँ, कीटोन होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड हो, है ना जी सर। बताओ ये शो करेगा या नहीं करेगा, बोलो जल्दी जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो फटाफट। करेगा, करेगा, नहीं नहीं करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, घर से लाएंगे, नहीं करेगा ना, बोलो बच्चों। यस सर, ये शो करेगा, ये भी शो करेगा, उसी का इनॉल, ये इनॉल का कीटो बना दिया है मैंने, कीटो दिया जाए तो इनॉल बना दो, इनॉल दिया जाए तो कीटो बना दिया है, बना दो। जैसे ये देखो, ये जेई में क्वेश्चन बहुत पहले आ गया, बहुत पहले आया है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब बताओ ये शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। हाँ नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, sp2 है, कीटो फॉर्म, बहुत पहले आया है, देयर इज sp2 कार्बन ना, अल्फा कार्बन एटम इज sp2, अल्फा कार्बन एटम इज शुड बी sp3 इन कीटो फॉर्म। ओके, कीटो फॉर्म में क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। ये बताओ DC डबल बॉन्ड ओ H, टेल मी जल्दी जल्दी फटाफट, शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, अल्फा कार्बन ही नहीं है। यस यस, समझा ना, क्यों नहीं करेगा? अल्फा हाइड्रोजन का है, इसलिए नहीं करेगा कि अल्फा ना हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन भी नहीं है, इन कीटो फॉर्म अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट ना, बोलो, इसलिए नहीं करेगा।
हाइड्रोजन में अगर टी और डी होगा तो चलेगा, क्या करें? अल्फा हाइड्रोजन की जगह पे डी या टी होगा तो चलेगा। अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, आइसोटोप हो गए तब भी शो करेगा लेकिन रेट कम होगा। बट सर उसको कंसीडर टिक मार्क करेंगे क्रॉस करेंगे फाइनली करेंगे, उसमें क्या होता है आइसोटोपिक इफेक्ट आता है ना, इसमें भी आइसोटोपिक इफेक्ट आएगा। सर लास्ट पे दो मिनट रखिए ना। हाँ जी जरूर जरूर जरूर, जरा ये बताओ शो करेगा या नहीं करेगा, टेल मी। करेगा सर, जल्दी जल्दी आंसर बताओ फटाफट स्मार्ट होके, ये शो करेगा या नहीं करेगा जल्दी बोल। नहीं करेगा। ये वाला करेगा, ये वाला लेफ्ट वाला करेगा, राइट नहीं करेगा, दोनों करेगा, राइट वाला, राइट वाला भी करेगा। हाँ दोनों करेंगे सर। राइट वाला क्यों करेगा? इसका कीटो फॉर्म बना दिया, ये हो गया, ये भी तो इनॉल है ना, इसका इनॉल बना दो, कीटो बना दो, ये होगा क्यों? समझा सर, क्या गलती मैंने बोला? कुछ भी नहीं, आप क्यों गलती कर रहे हो? आई डोंट नो सर, वो सेकंड वाले को कन्वर्ट करना भूल गया। हाँ तो सोचो ना, सोचो, सोचना ही तो है बेटा। देखो मैं बता दूँ वैसे नहीं आंसर आ जाए, वैसे नहीं, आप खुद भी सोचो, डबल बॉन्ड हो, मैं आपको डेवलप अच्छा करना चाहता हूँ तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ, क्या करो सोचो, इस पे बोलो, इस पे बोलो, शो करेगा और करेगा तो क्या बनेगा ये भी बनाना है, ये मत सोचो कि ये हो गया, इसका बनेगा क्या, डबल बॉन्ड हो। और देखो तो मैंने ये बना दिया, सही है या गलत है? गलत है सर। क्यों? सर वो डबल बॉन्ड हो, दूसरा वाला राइट एच की जगह पे आएगा ना, और एच बीच में है, ये एच है, ये इनॉल है ना, तो ये वाला बॉन्ड इधर आ गया और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। हाँ सॉरी सर, है ना, वन थ्री सिस्टम, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, सही बोल रहे हैं ना सब? इसको 1-3 कैसे बोल रहे हो वो नहीं समझ रहा। अरे मैंने बताया तो था आपको कि ये जो अल्फा कार्बन है कीटो फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, वन, वन कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर टू, इसको थ्री, या इनॉल बनाते हैं तो क्या हो गया, OH CH3, फिर से बोल रहा हूँ, ये वन हो गया डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ये टू, ये थ्री, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे, ये ऑसिलेट किया, या ये वाला हाइड्रोजन इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर हो गया, समझा, ऑसिलेट किया, 1-3 सिस्टम, समझ गया सर, समझा? यस सर। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में ऊपर जो कीटो है उसका भी तो इनॉल बन सकता है ना? हाँ बन सकता है, बहुत सारे इनॉल आ सकते हैं, गुड, समझा, मतलब और भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे आपके। हाँ 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 यस, और इनॉल बन सकते हैं सर। तो वो कीटो इनॉल दोनों होंगे ना? हाँ, ये इनॉल का क्या बना दिया, इस इनॉल का मैंने ये कीटो बना दिया, इस कीटो का भी इनॉल बना सकते हैं, इधर भी राइट, बराबर। पिछला पेज चेक कर लो, पिछले पेज के लिए बोल रहे थे, तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्या कैन शो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग या अबव कंपाउंड कैन शो क्या कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, 1-3 बस टॉटोमेरिज्म सर। नेक्स्ट वाला पेज दिखा नहीं, ये हो गया, क्या कर रहे हो, नेक्स्ट वाला पेज दिखा नहीं, दिखा रहे हैं, ये हो गया ना? हाँ सर। चलो ये भी देख लो भाई, ये बता ये शो करेगा या नहीं करेगा, जरा कोई बताना मेरे को, नहीं करेगा सर, करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन, अल्फा का हाइड्रोजन नहीं है, समझा कि नहीं समझा, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ कीटो
इनॉल टॉटोमर्जन सर वो थोड़ा एग्जांपल दिखा है ना कौन सा वो थर्ड एग्जांपल किया वो थोड़ा नहीं समझ रहा है कौन सा थर्ड ये वाला फर्स्ट रो का थर्ड ये नहीं सर राइट वाला हाँ हाँ वही ये क्या इनॉल है ना इनॉल 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 समझ रहा है ना ये डबल बॉन्ड उसी पे हुए थे इनॉल इसका कीटो बनाना इनॉल का कीटो सर वो टू पे क्यों लिखा वो नहीं समझा मतलब थ्री पे आना चाहिए कौन सा टू पे वो कीटो टू पे डाला ना सर वो टू पे क्यों गया वैसे अरे भाई ये जैसे है ना ये वन टू थ्री होता है ना तो हाइड्रोजन ऊपर गया ये वाला बॉन्ड इधर आ गया है ना हाँ सर तो वही चीज तो मैंने किया है देखो इनॉल है ये हाइड्रोजन को यहाँ पे लाया ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया कीटो फॉर्म हाँ सर समझा वही तो है जो ये वाला सेगमेंट है ये वाला ध्यान सुनो ये वाला वही जो चीज है वहां पे भी सब ऐसे ये कौन सी नंबरिंग है जो आपने थर्ड ऑक्सीजन पे ले लिया है लाइक ये तो ये खाली 1-3 सिस्टम बताने के लिए आईपैक नेमिंग के लिए नहीं है बराबर ना सेम थिंग है ना बच्चे जिसने क्वेश्चन पूछा है उधर से बोलते रहो चेंज करें पेज यस सर देखो अब आ जाओ इसके डिटेल पॉइंट्स पे आ जाओ मैकेनिज्म इन कीटो इनॉल टॉटोमर्जन मैकेनिज्म ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमर्जन देखो कुछ अगर मीडियम मेंशन नहीं है ना तो आप लोग एज्यूम कर लेना कि बेसिक मीडियम इफ नो मीडियम इज स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड एज्यूम बेसिक मीडियम ये मैं बहुत क्लियर करके लिखवाता हूँ क्लियरिटी के साथ लिखवाता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो रहता है हमेशा बच्चा और सबसे पहले हम लोग बता रहे हैं मैकेनिज्म इन बेसिक मीडियम मैकेनिज्म इन क्या बेसिक और क्या मीडियम ध्यान सुनना इसको बहुत मैकेनिज्म है एक बहुत अच्छा पॉइंट है देखो मान लो मैंने इसी को ये बताया CH3 C डबल बॉन्ड और क्या हो गया CH3 और बेसिक मीडियम में ले लिया OH- और ये बना दिया CH2 डबल बॉन्ड COH इनॉल लेकिन ये मैकेनिज्म हुआ कैसे तरीका क्या है इसका देखो मैं बताऊं ना देखो सुनो क्या होता है बच्चों ये अल्फा कार्बन और ये वाला कौन सा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन ये क्या है एसिडिक है जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है अल्फा उसी को बेस पिकअप करता है बेस जो आपने बेस लिया है वही पिकअप करता है ये वाटर निकल गया ये मतलब ये जो है ना एसिडिक है मतलब एसिड है ये हाइड्रोजन क्या है एसिडिक हाइड्रोजन है
एसिड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और ये जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन पे, वो कैसे एक्ट करेगा, बेस की तरह। तो एक ही मॉलिक्यूल में क्यों, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ऑक्टेट पूरा है तो बेस नहीं है। बेस की डिफिनेशन क्या है, यही है ना, ऑक्टेट पूरा हो लोन पेयर हो। अब क्या होता है, यहाँ से एसिड निकलता है, एसिड एसिडिक हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज बनेगा, और क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा, और क्या बनेगा, सी एच थ्री बनेगा। इतना समझ में आ गया होगा, है ना। और H2O बनेगा। अब सॉल्वेंट, हाँ प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट जो ये H2O बन गया, ये सॉल्वेंट से क्या आ गया, H प्लस आ जाता है, फिर O किस पे, बेस पे, तो क्या बन जाएगा बेटा, सी एच टू माइनस, और क्या, C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया, H, यहाँ पे प्लस चार, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे सी एच थ्री। देखना, दिमाग लगाना, बेस पिक अप द अल्फा हाइड्रोजन, दिस वन इज द एसिडिक हाइड्रोजन, राइट, दिस वन इज द बेस, राइट, ये एसिड है, ये बेस है, वाटर निकल गया। और जो सॉल्वेंट का जो है, सॉल्वेंट से H प्लस कहाँ पे आता है, O पे, तो ये बन गया, बराबर, बोलो जी सर। अब देखो, ये देखो, ये डबल सिंगल माइनस चार्ज है, इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये ऊपर चला गया, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी ओ एच और सी एच थ्री, और इसी को क्या बोलते हैं, कीटो या इनॉल, 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 इनॉल इसीलिए क्योंकि इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, उसी कार्बन पे ओएच है, तो ये इनॉल है, राइट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कीटो या इनॉल, इनॉल, राइट। देखो जो पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप जो फॉस स्टेप है, यहाँ तक के बनने को हम लोग फॉस जो स्टेप है यहाँ पे, ये स्लो स्टेप है, और जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, क्या होता है बोलो, रेट डेटर माइनिंग, स्टेप, इसी को बोलते हैं RDS। काइनेटिक्स पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है, चल रहा है सर, हाँ, तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। अब तुमको कैसे पता चला है कि स्लो स्टेप है, हम कैसे मान लें कि ये स्लो स्टेप है, दूसरा वाला फास्ट है, राइट, मतलब यहां तक स्टेप स्लो है, कैसे मान लें कि कार्बन हाइड्रोजन का ब्रेक होना स्लो स्टेप है, राइट, तो उसको मैं प्रूफ कर दूंगा कि कैसे स्लो स्टेप है। पहले तो इतना नोट कर लेना, तब मैं बताऊंगा, मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये स्लो स्टेप है, राइट, थ्योरेटिकली। सो फर्स्ट स्टेप में आपने उस अल्फा हाइड्रोजन को एसिडिक कैसे लिया है, क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन को ड्रॉप किया, बेस ने उसी हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, क्योंकि वो उसका एनायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, डबल सिंगल माइनस हो रहा है ना यहाँ पे, समझ गए, बोलो। यस सर। सर उसी में दूसरा क्वेश्चन था सर, कंपाउंड में जो H प्लस होगा वो ऑक्सीजन को छोड़ के CH2 के पास नहीं जाएगा, वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज ज्यादा से, तो वही बन गया ना, टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या, अच्छा सर होता कैसे है फिर टॉटोमेरिज्म, अगर ऐसा ऑलरेडी प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम पे होगा ना उसकी, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये कर दोगे तो वही होगा। मैंने ये लिखा है कि देखो ये इधर एरो, ये इधर बड़ा एरो, मतलब ये तो स्टेबल है, अच्छा ओके समझा, राइट सर समझा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तुम कह रहे हो कि H प्लस यहीं पे अटैक करा दो तो वही बन जाएगा, मतलब क्या है ये बनाने का, तो इक्विलिब्रियम पे होता है, दोनों बनता जा रहा है साइमल्टेनियसली, हां यस सर। अब देखो जरा ध्यान सुनना कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों है, चेंज करें सर, हाँ जो फर्स्ट स्टेप में H प्लस आयन निकला वो अल्फा हाइड्रोजन में से, वो सर OH के साथ बन के H2 बन के वापस स्टेबलाइज नहीं हो जाएगा, फिर वापस वहां से वाटर निकल गया ना, वाटर
सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट से क्या आ गया, फिर एसिड बेस रिएक्शन ये बन गया। समझा सर। अब जरा ध्यान सुनना, अब जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे कार्बन का sp3 होना नेसेसरी क्यों है? क्योंकि उसका एसिडिक करेक्टर है ना, वो इनोलेट आयन, ये इसको बोलते हैं इनोलेट आयन, इसको जो बोलते हैं ना हम लोग इनोलेट आयन, इनॉल फॉर्मेशन में जो होता है इनोलेट आयन बनना चाहिए, मतलब वो डीलोकलाइज होना चाहिए। ओके सर, और उधर डबल बॉन्ड होने पे वो डीलोकलाइज नहीं होगा? यस, ये इनोलेट आयन है, तो इनॉल फॉर्मेशन इनोलेट आयन होना चाहिए, मतलब डबल सिंगल माइनस होना चाहिए, तभी वो क्या होगा बोलो, स्टेबलाइज होगा एनायन, किससे, रेजोनेंस से, बराबर? हाँ सर, समझा। अब जरा ध्यान सुनना, अगला समझना इसी में। ये हो गया पेज नंबर, कौन सा हो गया, ये 2 है तो ये क्या हो गया, पेज 3, नंबर डाल दे पेज 3, और ये हो गया पेज 4, और ये हो गया पेज, सर नीचे पेज नंबर लिख के याद है। अरे नहीं रे, कभी छूट जाता है तो गड़बड़ होता है, हमारी बात नहीं समझे, कोई और बीच में आ गया ना वो लिख देते हैं, वो सही है, नहीं तो सीक्वेंस में भी कभी नहीं होता। अब देखो इधर देखो बच्चों, ये आपने बना लिया, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ये CH3C डबल बॉन्ड वो CH3 है, ये बेस है, और CH2 माइनस, और क्या हो गया, C डबल बॉन्ड CH3, फिर वाटर से ये करके क्या बनाता है, ये CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3। तो ये वाला स्टेप जो है ना, ये RDS है, यही बताया ना, RDS। Yes, sir. और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना दिया है क्या, CH2 डबल बॉन्ड COH। अब ये RDS जो है, ये वाला स्टेप RDS है, OH माइनस इसका। RDS क्यों है देखो जरा ध्यान सुनना, यहाँ पे ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह, और ये जो कैसे एक्ट कर रहा है बेटा, बेस की तरह है ना, तो एसिड का क्या बना, ये कॉन्जुगेट बेस है ना, बोलो कॉन्जुगेट बेस, यहां लिख देते हैं बच्चा रहेगा, और यहाँ पे क्या बना बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड, ये एसिड है, ये बेस है, ये बेस है, ये एसिड है, इस एसिड का क्या बना, कॉन्जुगेट बेस, और इस बेस का क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। अब बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, OH या CH, बोलो जल्दी, OH या CH कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बताओगे ना एनीवन? OH। अरे ये वाला एसिड है ना, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहते है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है, वीक एसिड है, तो ये वीक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, जल्दी बोलो, वीक बेस। अरे यार ये वीक एसिड है ना, वीक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये वाला बेस क्या हो गया, वीक बेस। सर तो वैसे तो रिएक्शन होगा ही नहीं ना। अरे रुक ना, मेरी बात तू सुनता नहीं है भाई, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, फास्ट होगा ना। हाँ। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, स्लो। तो स्लो स्टेप क्या होता है, रेडिटरमाइनिंग। फिर से ध्यान सुनना, ये एसिड है, किसी को बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आई नो वेरी वेल, ये एसिड है, ये जहां मैंने कर्सर रखा है, ये पेन रखा है, देखो ये पेन रखा है मैंने, ये एसिड है ये, और ये बेस है, बेस, ये बेस, ये एसिड,
और इसका ये कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट एसिड। अब एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, OH की या CH की? OH की, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया है तो ये वीक एसिड होगा। तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस यही है ना, तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब इधर ये बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा फेवरेबल होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होने की टेंडेंसी क्या है, कम है, है ना? यस सर। बोलो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बोलो। सही है सर। तो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो गया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, स्लो। तो वही क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ना, स्लो स्टेप इज आरडीएस। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो? देखो मैं जान रहा हूँ ना, मैंने कितनी बार रिपीट किया फिर भी, इसीलिए मैं बोलता हूँ। ये एसिड है, एसिड एसिड समझ रहा हो ना, कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो एसिड है, हाइड्रोजन एसिड है, और ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो बेस है, बेस। इतना समझा ना, एसिड बेस। वो सिर्फ लोन पेयर बेस क्यों, वो नहीं समझा। अरे भैया ऑक्टेट पूरा है और कितना है, दो लोन पेयर है, तो H+ को एक्सेप्ट कर सकता है ना। हाँ हाँ समझे समझे। ये एसिड है, ये डायरेक्ट कैसे कॉन्जुगेट बेस आपने लिखा, क्योंकि वो तो बीच में ये बनेगा बाद में वो। अरे पता नहीं तुमने सुनना है या अपनी बात बताना है, एक तो तुम चार पांचवी बार पूछते हो, मैं ध्यान सुनो पहले, फिर कह रहे हैं कंसंट्रेट करने के लिए, क्या अपने पास कोई भी लॉजिक दिए जा रहे हो, पहले ध्यान सुनते नहीं हो। ये एसिड है या नहीं है पहले ये बताओ, हाँ या ना। समझा समझा। नहीं रुको, नहीं अभी बोल दिया तो डरने की जरूरत नहीं है, पहले देखो इधर, ये एसिड है ना। हाँ। और ये बेस, बेस का ये क्राइटेरिया है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है, लोन पेयर है, और ये कार्बन से हाइड्रोजन है, एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि इसका एनायन ज्यादा इससे पहले हाइड्रोजन से, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एसिड का ये जो एनायन बनाया है, ये वाला एनायन, ये तो क्या है, कॉन्जुगेट बेस बनाया, और ये जो बेस का ये कैटायन बनाया है वो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये एक एसिड है और ये एसिड है, दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड ये है ना। तो ये कैसा एसिड है, ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। अरे ये वाला वीक, वीक ना। हाँ वीक है। अब वीक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा ना। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि आपस में रिएक्ट करके ये बनाने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होगा, फास्ट। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होगा, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट हो गया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, स्लो ना। तो स्लो होगा, वही स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं, आरडीएस। एक ही मॉलिक्यूल में, देखो सेम मॉलिक्यूल में क्या है, एसिड बेस, और जो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो आपस में रिएक्ट करके तुरंत इसके बनाने की प्रॉबिलिटी क्या होगी, ये वाला एसिटोन बनाने की प्रॉबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, रेट फास्ट होगा ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, स्लो। उसी को क्या बोलेंगे, आरडीएस, बराबर। समझा सेतु? फिर बताओ, तुम ही बताओ, ये क्या है, एसिड या बेस, बोलो। अगर ये क्लियर होगा तभी तुम 10-15 क्वेश्चन करोगे। हाँ बोलो, ये एसिड या बेस, एसिड। ये बेस, ये क्या हुआ, क्या CH माइनस। अच्छा बेस, कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है ना बेटा, फास्ट होगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, स्लो, इसलिए वो आरडीएस है। तो कभी भी हम लोग, अगर हम लोग करेंगे बच्चों कंपेयर करेंगे कि किसमें कीटो इनाल टॉटोमेरिज्म ज्यादा होगा या किसका रेट ज्यादा होगा, तो आप लोग क्या करेंगे,
हमेशा कार्बोन आयन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, इसी को इनोलेट आयन बोलते हैं, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, जो ज्यादा इनोलेट आयन जो इनोल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो जितना ज्यादा इनोलेट आयन स्टेबल होगा मतलब वो जिससे बना है उसका रेट क्या होगा उतना ज्यादा, बराबर बच्चों? यस सर। सर सिर्फ वो OH प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों था? OH OH प्लस कंपैरेटिवली CH3 से स्ट्रॉन्ग क्यों था? इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज और छोटी हो गई तो टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो H प्लस देने की टेंडेंसी क्या होगी और बढ़ जाएगी। जी सर। अब देखो जरा ध्यान सुनो बच्चों, तो कंक्लूजन ये निकला कि जब कीटोइनॉल टॉटोमर जब हमने कराया कीटोइनॉल, इसका कीटो का इनॉल बनाया ये ऐसे बेसिक मीडियम में ये इनॉल बना दिया, तो हम लोग शॉर्टकट ये देख रहे थे, मैंने ये बताया कि ये वाला हाइड्रोजन इधर चला गया, पाई बॉन्ड इधर चला गया, ऑसिलेट हुआ, लेकिन मैकेनिज्म से ये पता चल रहा है कि ये जो वाला जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, कम्स फ्रॉम व्हाट, सॉल्वेंट। एक्चुअली में ये जो हाइड्रोजन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कम्स फ्रॉम सॉल्वेंट, वाटर से आ रहा है, बराबर। सर बट वाटर का भी हाइड्रोजन तो CH3 से ही आया ना। हाँ तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो हाइड्रोजन आया वो कहाँ से आया, सॉल्वेंट से आया ना, ये वाला हाइड्रोजन जाके शिफ्ट नहीं हुआ सर। मतलब अगर मान लो मैंने यहाँ पे आइसोटोपिक सॉल्वेंट ले लिया होता तो यहाँ पे क्या आता है, डी आता, अगर T2O ले लेते हो तो टी आएगा, हमारी बात समझ गए सर? क्यों ऐसा, क्यों सॉल्वेंट क्या, सॉल्वेंट अगर मैं D2O लूंगा तो D2O का डी आएगा ना, एक्सेस अमाउंट में तो वही है, CH3 एक H+ सॉल्वेंट को दे रहा है, वही H+ पे जाके ऑक्सीजन से मिल रहा है ना। अरे भाई सॉल्वेंट तो एक्सेस अमाउंट होता है ना, कॉमन सेंस है ना। गॉट इट सर। एक अगर मान लो OH- देखो सुनो, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया OH- ठीक है और D2O ले लिया, D2O तो OH और H पिकअप किया, H2O निकल गया, राइट, D2O एक्सेस अमाउंट है ना, वो आएगा ना। समझा सर। वो मैं अभी कराऊंगा, अभी आपको कराऊंगा, अभी आइसोटोपिक इफेक्ट कराऊंगा, डोंट टेक टेंशन। लेकिन आपको ये बताना है, अगर किसी ने पूछ दिया कि इन टॉटोमराइजेशन दिस हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम सॉल्वेंट, राइट, फ्रॉम बीटा हाइड्रोजन फ्रॉम गामा हाइड्रोजन, तो क्या बोलोगे, फ्रॉम सॉल्वेंट। ओके बराबर। यस सर। अब देखो जरा ध्यान सुनना, इसके बाद क्वेश्चन सब सॉल्व कर लोगे, पहले थोड़ा सिखा दें, सिखाना बहुत जरूरी है। देखो चेंज करें ना पेज। जी सर। सिक्स, एक सेकंड देखा। वही चीज तो पूछ रहे हो जो अभी तक हुए। ये स्लो स्टेप क्यों है, इसलिए स्लो स्टेप है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस राइट हैंड डायरेक्शन में है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होगा, फास्ट, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होगा, स्लो। तो नेक्स्ट है, इन बेसिक मीडियम फॉर्मेशन ऑफ, इन बेसिक मीडियम फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन मतलब वो जो एनायन बन रहा है, मतलब कार्बो एनायन, कार्बन में माइनस चार्ज है ना, कार्बो एनायन, बराबर, इज ए स्लो प्रोसेस, स्लो स्टेप,
एंड आरडीएस बराबर। आरडीएस का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड इक्विलिब्रियम फेवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन यहां तक किसी को डाउट? अब देखो, अब किसी भी कंपाउंड में इनॉल फॉर्मेशन या परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्मेशन या इनोलाइजेशन, इनॉल फॉर्मेशन को हम लोग इनोलाइजेशन भी बोलते हैं, डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्मेशन परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्मेशन या इनोलाइजेशन डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। फैक्टर नंबर वन, रेजोनेंस एंड एक्सटेंडेड रेजोनेंस। सबकी मीनिंग आएगी, सब आएगा। हाइड्रोजन मॉर्निंग या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन मॉर्निंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? 5 या 6 मेंबर चिलेटिंग रिंग। हाइड्रोजन, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चिलेशन भी बोलते हैं, चिलेशन CHELATION। तो वो 5 या 6 की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, तो अगर कहीं पे 5 या 6 की रिंग बनती है तो इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। वो हम आगे अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको बता दूंगा, ठीक है? जी सर, अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो सब इसको डिस्कस कर दूंगा। पहले 1-2 पॉइंट, जब पेज चेंज करना हो, पेज चेंज करना होगा तो बताना। सर मुझको एक कंफ्यूजन आ रहा था। हाँ, सर, सॉल्वेंट से जो हाइड्रोजन आता है वो वाटर का होता है या बेस का होता है? वाटर, वाटर। तो बेस के OH- की क्या जरूरत थी वो एनायन बनाने में? बस बेस ने क्या किया, रिएक्शन को इनिशिएट किया। जो देखो क्या होता है, बेस कैटलिस्ट है, ये बेस जो है ना कैटलिस्ट है, ध्यान सुनना। ये बेस ने क्या किया, हाइड्रोजन को पिकअप किया। कहा गया, ये वाला पेज, ये बेस है ना, बेस ये हाइड्रोजन को पिकअप किया, रिएक्शन को स्टार्ट किया। देख रहे हो, कैटलिस्ट है ये, इनिशिएटर है। और देखो ये एनायन बन गया, फिर क्या हो गया, कैटलिस्ट का मतलब ये हो गया रिएक्शन को जो इनिशिएट करे रिएक्शन से निकल जाए, है ना। देखो यहाँ से क्या आ गया, H+ आ गया, OH निकल गया, बेस निकल गया, है ना। हाँ बच्चे,
ये कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन को पिकअप किया तो क्या बना, कार्बोन आयन, इनोलेट आयन बोलते हैं, राइट? ये स्लो स्टेप आरडीएस है, एच प्लस आया और ओएच निकल गया, कैटलिस्ट बेस क्या है, कैटलिस्ट की तरह है, राइट? जो रिएक्शन को इनिशिएट किया, रिएक्शन को फिनिश किया, वहां से निकल गया, जो एच लेके गया, जो एच लेके गया उसी से उसने H2O बना दिया, राइट? हाँ, ये OH H मिल गया, H2O निकल गया, राइट? और H का क्या आ गया, इस ऑक्सीजन पे आ गया, OH निकल गया, बराबर? समझ गया सर। ये जैसे ये H है ना, OH है, देख लो, कुछ कोई बड़ी चीज नहीं है, यहाँ पे आ गया और ये यहाँ से निकल गया, बराबर? Understood, sir. Thank you. लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, ये जो एच आया ये कहाँ से आया, ये जेई में भी पूछा गया है कि कहाँ से आया, सॉल्वेंट से, ठीक है? तो शॉर्टकट टेक्निक तो मैंने बताई थी, तो लेकिन शॉर्टकट टेक्निक का मतलब ये नहीं है कि यही वाला हाइड्रोजन चला जाता है ऊपर, ये मैकेनिज्म से क्लियर होता है, बराबर? Yes, sir. अब देखो पेज नंबर चेंज करें, लिख लिया ना बच्चों, कोई बोल नहीं रहा? जी सर। और एसिडिक मीडियम में टॉटेमरिज्म हो सकता है? होता है, वो भी बताएंगे, उसकी मैकेनिज्म अलग है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, फोर्थ पॉइंट है एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, राइट? नेक्स्ट है इंडक्टिव एंड स्टीरिक हिंड्रेंस, सर कोई डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है? नहीं, कंपेरेबल है, एक फैक्टर होगा तो वही तो बता रहे हैं कि एक फैक्टर होता तो बहुत आसान होता है, ऐसे नहीं है ना, ये साइंस इसी यही तो है, एक से नहीं, कंपेरेबल है सर। मतलब sp2 वाला भी sp2 कार्बन, रुक जाओ, इन केस ऑफ सिंपल एल्डिहाइड, हाँ ये इतना, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और एक सिक्स पॉइंट है, इन केस ऑफ सिंपल एल्डिहाइड एंड कीटोन, अभी तुम्हारा क्वेश्चन ले लेंगे, एक मिनट, सिंपल एल्डिहाइड एंड कीटोन, ब्रैकेट में लिख लो इसका, सिंपल एल्डिहाइड कीटोन का मतलब क्या है, मोनो एल्डिहाइड, मोनो एल्डिहाइड और मोनो कीटोन, इन ऑल फॉर्म इज निग्लिजिबल, इन ऑल फॉर्म इज निग्लिजिबल and keto form is stabilized by and energy of
18 किलो कैलोरी पर मोल. इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको. चेंज करें पेज. एक मिनट सर. इतने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. सारे फैक्टर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. ये भी नहीं है कि छोड़ देंगे. सब एक्सप्लेन करेंगे बराबर. सर इनॉल फॉर्म इज नेग्लिजिबल का मतलब क्या हुआ? मतलब जो इनॉल बन रहा है ना बहुत कम अमाउंट में बनेगा. मतलब मेनली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है. चेंज करे पेज. सर वो इनॉल और कीटो में रेजोनेंस जैसा होगा ना? अभी रेजोनेंस जैसा नहीं होगा. दोनों में डिफरेंस है. रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है. इसमें हाइड्रोजन एटम का क्या होगा? शिफ्टिंग होगा. समझा सर. डन सर. पेज नंबर 8. क्या है इसका मतलब देखो समझ लो. हम आपको जरूर बताएंगे. राइट. मेरा काम ही बताना है तो मैं आपको जरूर बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा. जरा देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये कीटो से इनॉल बनाया हम लोगों ने ये वाला, इसको बोलते हैं कीटो. और देखिए बड़ा वायर बना दिया. ये छोटा एरो बना दिया. और थोड़ा बड़ा कर दें. ये छोटा है. ठीक है बच्चों, ये और छोटा बना देते हैं ऐसे. दोनों घोड़ा दो. तो मेरे से ही गड़बड़ हो रहा है. देखो कीटो और ये हो गया CH2H डबल बॉन्ड COH CH. 1-3 सिस्टम. 1-2-3 1-2-3. तो कहने का मतलब ये ज्यादा फेवरेबल है. कौन सा? बहुत ज्यादा स्टेबल है. कौन सा? कीटो फॉर्म. ये भाई 18 किलो कैलोरी पर मोल से ये स्टेबल है. राइट. और इनॉल फॉर्म क्या होगा? मोनो कीटो ज्यादा स्टेबल होता है. मतलब मोनो कीटो का मतलब एक जिसमें सी डबल बॉन्ड हो. इसकी बॉन्ड एनर्जी 18 किलो कैलोरी पर मोल से ज्यादा स्टेबल है. 18 किलो कैलोरी पर मोल से. राइट. मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डिफरेंस है. हाँ डिफरेंस है. मतलब ये जो बना ना कीटो से इनॉल बना, इनॉल से कीटो बना, उसका डिफरेंस है. राइट. तो वो 18 किलो किलो कैलोरी पर मोल से ज्यादा स्टेबल है कीटो फॉर्म. और ये वाला फॉर्म जो है यही निग्लिजिबल होता है. मोनो कीटो ज्यादा स्टेबल होता है. राइट. समझा कि नहीं समझा ये वाला बात? समझा सर. अब देखो जैसे ये, जैसे इसकी हम बॉन्ड एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कार्बन हाइड्रोजन है ऐसे. डेटा का कोई मीनिंग नहीं है लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. 99 किलो कैलोरी पर मोल है. C डबल बॉन्ड है तो इसमें कुछ होगा क्या? 179 79. इसका है कितना? कार्बन कार्बन के बीच में ये है 83 किलो कैलोरी पर मोल. तो टोटल हो जाएगी एनर्जी हमारे समझ से आप कर लोगे तो 361 किलो कैलोरी पर मोल. राइट. और यहाँ पे जो होगा ना कार्बन ऑक्सीजन है. राइट. और क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. और क्या है? OH है. अब इसकी एनर्जी है कितनी? कार्बन हाइड्रोजन मतलब एक का 99 है कि सब छह का 99 है? नहीं नहीं एक का एवरेज ले लोगे 86 है. 146 है. ये ट्रांसफॉर्मेशन में जो एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होगा बॉन्ड बनेगा ना उसकी एनर्जी है.
वन 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 है सर, 361 पर वो आपने सब ऐड किए क्या टोटल टोटल? हाँ, और इसका कितना है 343, मतलब वो कंपाउंड में तो सीएच बॉन्ड ज्यादा है ना, उससे क्या एवरेज लेंगे ना, एक ही जा रहा है ना, तो मतलब दोनों का डिफरेंस निकालेगा तो कितना आएगा, 18 किलो कैलोरी पर मोल ना डेल्टा एच। बोल बेटा सर, बट जैसे फर्स्ट में हमने सीएच का 99 लिखा, उसका मतलब सब छह का मिला के ना सम 99 है, एक बॉन्ड ही ब्रेक होता है ना, तो एवरेज ही लेते हैं ना बॉन्ड एनर्जी सबको, तुमने तो किया होगा ना केमिकल बॉन्डिंग में, क्यों? जी सर। बराबर। और सर आपने सेकंड वाले में सीएच का क्यों नहीं लिया एनर्जी? किसको? वो ट्रांसफॉर्मेशन में बता रहे हैं ना, वो जो कीटो टू इनॉल, इनॉल टू कीटो में। ओके, गॉट इट सर। वो ट्रांसफॉर्मेशन में बता रहे हैं ना, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कराया है उसके लिए बता रहे हैं। बराबर। सो आपने कीटो और इनॉल की स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोला था, आप रिपीट कर सकते हैं? मैं थोड़ा कनेक्शन लैग कर रहा था। और कीटो इनॉल की जो स्टेबिलिटी है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, राइट? यस सर। एक पैरामीटर पे नहीं डिपेंड करेगा, ये है कि इन बेसिक मीडियम फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन या कार्बोन आयन इज स्लो स्टेप आरडीएस, इक्विलिब्रियम फेवर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, परसेंटेज ऑफ इनॉल, परसेंटेज ऑफ इनॉल या इनोलाइजेशन डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब कोई कंपाउंड दे दिया जाए, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, और पूछा जाए कि इनोलाइजेशन किसका फास्ट होगा, इनॉल फॉर्मेशन किसका फास्ट होगा, ठीक है? तो बहुत सारे जिस वाले पार्ट पे था मैं सर, आपने उसी पेज पे कुछ बताया था उनके बारे में। मतलब रेजोनेंस, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे थे, यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एसिडिटी एंड इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन ड्रॉप कर रहे हैं बेस जिसको पिकअप कर रहा है उसके एसिडिक कैरेक्टर पे भी डिपेंड करेगा, इंडक्टिव स्टेरिक फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा, राइट? और फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि इन केस ऑफ सिंपल एल्डिहाइड एंड कीटोन, मोनो एल्डिहाइड, मोनो कीटोन, राइट? इनॉल फॉर्म इज निग्लिजिबल एंड कीटो फॉर्म इज स्टेबलाइज बाय 18 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब जो इनॉल फॉर्म है वो निग्लिजिबल होता है, और क्या होगा, मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ। बराबर। वही हाँ, उसी को मैंने ये डेटा से प्रूफ कर दिया कि भाई देखो ये 18 किलो कैलोरी पर मोल से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। बराबर। थैंक यू सर। तो ये एक्सपेरिमेंटल है? हाँ, मतलब डेटा से ही है ना। मोनोकीटो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग करते हो ना, कंसंट्रेशन ऑफ इनॉल अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ व्हाट, कीटो, राइट? दस इक्विलिब्रियम इज बराबर। तो नॉर्मली क्या हो गया, मोनोकीटो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा इनॉल से। जैसे मान लो पेज 9 है, मैंने ये दे दिया, जैसे ये मोनोकीटो है, तो नॉर्मली दोनों में, ये दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, कौन सा, इसका इनॉल बनाएंगे। मान लो मैंने ये निग्लिजिबल होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मान लो मैंने ये दे दिया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, बराबर बच्चों, और इसका टॉटोमर बना दिया, ऐसे बना दिया, तो ये वाला बनने की प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत कम होगा, इनॉलिक परसेंटेज बहुत कम होगा, ज्यादा कौन सा होगा, ये मोर स्टेबल है। समझा? इनोलाइजेशन बहुत स्लो है, मतलब ये इनॉल फॉर्मेशन की टेंडेंसी बहुत कम है, इनोलाइजेशन कम है, परसेंटेज ऑफ इनॉल क्या होगा, कम होगा। बराबर बच्चों?
किसी कोई कंफ्यूजन से इतना पहले पूछ लो तो हम फिर हम नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं इसी में। किसी को कोई कंफ्यूजन दिखाओ ना, ये ना। हाँ सर एक। तो सारे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में इनॉल का नेग्लिजिबल ही अमाउंट होगा? नहीं सारे में थोड़े। सर आपने वो अगले पेज पे जो बनाया वो मोनोकीटो तो नहीं था? मोनोकीटो ही है ना, और क्या है ये मोनोकीटो है, एक ही कीटोन है ना, ये एक ही कार्बोनिल ग्रुप है ना, एक कार्बोनिल ग्रुप हो तो मोनोकीटो बोलते हैं। मतलब ये जो इनॉल है ना ये ट्रेस में होगा, ट्रेस में कार्बोनिल ग्रुप देखना है ये भी ट्रेस, हाँ ट्रेस में होगा। समझा समझा सर। जैसे मैंने बहुत काम होगा, समझा? हाँ सर। बच्चे पहले मैं आपको दौड़ाता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करवा के, उसके बाद बताता हूँ ठीक है आगे। इसमें बहुत सारी चीजें बराबर सर। हाँ ये कीटो ज्यादा आएगा वो सिर्फ यही रिएक्शन के लिए ना? मतलब मोनो कीटो होगा तो नॉर्मली, जैसे मान लो मैंने ये मोनो कीटो दे दिया CH3CH2 सी डबल बॉन्ड हो CH3 बराबर H, मोनो कीटो है एक ही कार्बोनिल ग्रुप है ना, तो ये मोनो कीटो क्या होगा ज्यादा, इससे पहले ये मैंने लिखा है अच्छा समझा, ये मोर स्टेबल है। हाँ सर समझा। मोनोकीटो में, और अगर मोनोकीटो नहीं हो तो बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं, ये उस फैक्टर के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है कि ये फैक्टर मतलब क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा कीटो या इनॉल। हाँ बोलो सुन रहे मतलब, हाँ ट्रेस मतलब बहुत है, मतलब निग्लिजिबल हो गया, ट्रेस में है। सर हाँ सर, कीटो की एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए ना? वो डिफरेंस है ना रे, कि उतने किलो कैलोरी पर मोल से स्टेबल है ना वो, इससे वो कन्वर्ट हुआ उससे ये कन्वर्ट हुआ, और वो एनर्जी का डिफरेंस मैंने निकाला है डेल्टा एच, तो वो 18 किलो कैलोरी से क्या है स्टेबलाइज हो रहा है ना, कौन कीटो फॉर्म ना। उल्टा बोल रहे हो, ये इससे ये कन्वर्ट हो रहा है, इससे ये कन्वर्ट हो रहा है राइट, तो ये जो बॉन्ड है जो इन्वॉल्व है ब्रेकिंग ऑफ फॉर्मेशन में उसकी एनर्जी है, तो मैंने ये डिफरेंस निकाला है कि 18 किलो कैलोरी पर मोल से क्या होगा ये वाला ज्यादा है इससे वेल होगा। ओके सर थैंक यू। सर ट्रेस मतलब कम क्वांटिटी ना? बहुत है निग्लिजिबल राइट समझा बच्चे। सर एक सेकंड, वो पेज रखो। सर एग्जांपल 3 में ट्रेस नहीं था। हाँ बोलो सर। एग्जांपल 3 में ट्रेस नहीं है, उसमें भी ट्रेस है सब, ये ज्यादा इससे पहले सब ट्रेस लिखा नहीं है तभी ट्रेस ही होगा, बहुत काम है, हम डेटा भी देंगे आपको आगे चल के कितना परसेंट है अप्रोक्स करके। अब देखो सुनो, पहले नंबर की अब जितना मैंने सिखाया उस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं जेई में, क्या आता है पहला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स arrange the following compounds according to decreasing order of rate towards
इनोलाइजेशन इनोलाइजेशन का मतलब इनोल फॉर्मेशन, समझ गया बच्चों? इनोलाइजेशन का मतलब वही इनोल फॉर्मेशन। अब करेंगे क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन वन दे दिया, पीएच होल थ्राइस सी सी एच ओ वन, दूसरा पीएच सी एच टू सी एच ओ, तीसरा है पीएच होल ट्वाइस सी एच सी एच ओ, राइट। तो पहला हम एक एक करके करेंगे, कराएंगे क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा दिमाग चले तुम लोग का, भारी तो रहता ही है लेकिन करना ही है। क्यों बच्चों एक बार को ट्राई करें, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी क्लियर बेटा? अरे एक बार खुद ट्राई करें ये। हाँ तो खुद ही ट्राई करना है ना, मैं थोड़े बताने वाला हूँ, जब आप लोग थक जाओगे तब बताएंगे। फिर आंसर चैट पे भेजिए। बहुत लोगों ने आंसर लिखा है, सही है, चलो चैट पे भी चल रहा है आंसर, मैं देख रहा हूँ। हाँ आंसर दो चैट पे, बोल भी सकते हो, चैट पे भी दे सकते हो, कुछ नहीं, ध्यान से सोच के देना, ध्यान से। और लोग और लोग, श्रेया पार्थ, बहुत लोगों का आया, तेजस सर करेक्ट है कि रॉन्ग है आंसर? एकांश आंसर, बहुत सारे वेरिएशन है यार आंसर में, तो कोई 1 3 2 लिख रहा हो, कोई 3 2 1 लिख रहा होगा, कोई 2 3 1 लिख रहा है, राइट। तेजस का आंसर नहीं आया, कहाँ है? यस सर आया, आंसर नहीं आया अभी। अच्छा आ गया, पहले इसका होगा 3 2 1, क्यों सर? 3 2 1 मतलब 2 3 1 वाले सबका गलत। देखो अरेंज द फॉलोइंग का मोर रिगार्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट टुवर्ड्स इनोलाइजेशन। कोई मेंशन नहीं है कि बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम, कुछ मेंशन नहीं है ना क्वेश्चन में, तो हम अगर ऐसा एज्यूम करेंगे बेसिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, कार्बोएनायन का फॉर्मेशन। अब देखो ये जो है पहले में कार्बोएनायन बनेगा, ये बनेगा पहले में, तो पहले में तो अल्फा, पहले में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कार्बोएनायन कैसे बनेगा? तो इसमें कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, तो 1 का तो सबसे कम हो गया, खत्म हो गया, हो ही नहीं रहा है, तो क्या उसमें बताएं? अब 2 और 3 में देख लो, 2 में जो ये है कि CH2CHO है, तो अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन ड्रॉप कर लो, तो ये एनायन बना CH माइनस, और ये C डबल बॉन्ड OH, और इसमें क्या बनेगा, 2 2 है ना, सही बोल रहे हैं ना? जी सर। इसमें एनायन क्या बनेगा आप लोग बता ही सकते हो, CHO है, तो यहाँ पे एनायन बनेगा, तो 2 2 के साथ डीलोकलाइज होगा, बराबर ना? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, थर्ड वाला ना एनायन, वही क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बच्चों? कोई डाउट? सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना, अरे बहुत बिजी है रे,
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? कार्बोनियन का फॉर्मेशन ना, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन ना, इनोलेट आयन आई बराबर, तो इसका इनोलेट आयन बना, तो ये देखो डबल सिंगल माइनस, और इधर भी रेजोनेंस होगा बेंजीन के साथ, इसमें क्या हो गया डबल सिंगल माइनस, इसमें रेजोनेंस होगा और इधर भी होगा डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल माइनस, देख रहे हो ना। और इसमें तो ड्रॉप कर ही नहीं सकते ना, कार्बोएनायन बनेगा ही नहीं, तो इसमें तो होगा ही नहीं टॉटोमेरिजम। अब इसमें होगा तो इसका एनायन बना, इसमें इसका बनाया तो इसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये जिससे बना है उसका रेट क्या होगा? ज्यादा होगा ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन ना। यस सर, बोलो, समझा कि नहीं समझा? समझा सर। जिसको कोई कंफ्यूजन तो बोल लो। सर नहीं समझा। अरे यार क्या करना है, कुछ नहीं, जीओसी है, बहुत जीओसी भी नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। इसमें हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो हाइड्रोजन, तो इसमें टॉटोमेरिजम नहीं होगा। इसमें हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो भाई बेसिक मीडियम में क्या होता है, कार्बोकैनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना रेट। ये वाला कार्बोकैनायन बना दिया, ये वाला कार्बोकैनायन बना दिया, कौन सा कार्बोकैनायन ज्यादा स्टेबल है, वन वाला या टू वाला या थ्री वाला? वन में तो बन ही नहीं रहा है, थ्री, तो उसका रेट क्या होगा? जो कंपाउंड दिया है ज्यादा है ना, क्योंकि इसका एनायन क्या है, ज्यादा स्टेबल है। और वही स्टेप क्या है, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बराबर। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, पेज चेंज करें, बोलो। जी सर। सर मतलब एनायन ज्यादा स्टेबल हो रहा है ना? हाँ, तो रेट ज्यादा होगा ना, इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल है वो जिससे बना है उसका रेट क्या होगा, उतना ज्यादा है ना। मतलब इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है बहुत। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दें, बोलिए। हाँ सर, पेज 11 मास क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सॉल्व करो। क्वेश्चन 2, लेकिन इसको सोचना है, ऐसे मत कर देना कि हाँ 2 मिनट में कर देना, बस ब्रेन लगाना। मैं बहुत इजी देने वाला नहीं हूं। वन टू थ्री फोर फाइव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो। नहीं, टॉटोमेरिजम का क्वेश्चन है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो रहा है, मतलब यूज होगा, वो तो हर चैप्टर में ही होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, अभी जो जो आपको असाइनमेंट भेजा है ना, तो वो मत, मतलब ऐसे मत करना कि छोड़ देना, सब करो, कॉन्फिडेंस तभी आएगा। ज्यादा करोगे, डिस्कस करोगे, कभी भी डिस्कस करो, क्वेश्चन जरूर डिस्कस करो, जैसे अभी कल परसों किसी दिन डाउट होगी ना, फटाफट करो, जो ना आए उसे ठीक कर रहे हो। हाँ, बहुत ज्यादा आंसर बनाया तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने बहुत कुछ आंसर बनाया, लेकिन सबका डिफरेंट आ रहा है,
सबका डिफरेंस आ रहा है, पार्स का एक ही आंसर आ रहा है, कई बार आ रहा है। पार्स आपका गलत है बेटा, गलत है। गलत है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब सही होगा तो मैं सही बोलूंगा, गलत होगा तो गलत बोलूंगा। आपका गलत है, क्या करें। सेतु तुम्हारा भी गलत है, हर्षित का भी गलत है, ट्राई नहीं किए हो तुमको। आंसर मैं बता रहा हूं, पहले होगा थ्री थ्री थ्री, पहले होगा थ्री, थ्री के बाद फाइव, टू टू के बाद तुम्हारी तो वन, वन के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, फाइव सबसे कम होगा। समझाइए ना क्या समझाना है इसमें, मान लो ये टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी गड़बड़ करोगे। कुछ नहीं, बहुत इजी है, बहुत लोग जिन्होंने सही बनाया होगा वो समझ रहे होंगे मेरी बात की, सर क्या कह रहे हैं। ये देखो इसका जो एनायन बनाओगे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया सी एच, और क्या हो गया माइनस चार। वैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए, मैंने कराया है ऐसा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया सी एच टू, और क्या हो गया सी डबल बॉन्ड हो एच है, तो इसका एनायन ये बन जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया सी एच माइनस चार डबल बॉन्ड एच, फिर इसका बनेगा सी एच, ये एच है ना एच, तीसरा हमने शायद यही दिया होगा सी एच टू सी डबल बॉन्ड एच, इसका एनायन बनेगा शायद ये एच सी डबल बॉन्ड और क्या हो गया सी एच माइनस चार। मैं पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ, ध्यान लो, क्योंकि आप लोग एक ही चीज को बार बार पूछते हो, इसलिए मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहा हूँ, बता रहा हूँ इसको सी टू एच फाइव, ये इसका बनेगा सी एच थ्री और क्या हो गया सी डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया सी एच माइनस चार सी डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया ओ सी टू एच फाइव, और फिर सी एच थ्री सी एच टू ओ, एक मिनट जस्ट ए मिनट, सी डबल बॉन्ड हो सी एच टू सी डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया ओ सी टू एच फाइव, इसका एनायन बनाएंगे आप लोग। तो बेसिक मीडियम में तो एनायन ही बनाएंगे, कुछ मेंशन नहीं हो तो हम लोग बेसिक मीडियम में लेंगे और कुछ तो लेंगे नहीं। ये क्या हो गया सी डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया ओ सी टू एच फाइव, ये लोन पेयर है, लोन पेयर। मैं यही बता रहा हूं आपको कि देखिए ये सी एच थ्री है, पहले तो बहुत लोगों को यही क्लियर नहीं हुआ कि यहीं से हाइड्रोजन क्यों ड्रॉप किया है। अरे भाई वो सबसे ज्यादा एसिडिक है ना, तो बेस उसी हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, राइट right. ये वाला हाइड्रोजन क्यों ड्रॉप करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा एसिडिक है। सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसका कार्बोनायन डबल सिंगल माइनस चार्ज, दो दो ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डबल सिंगल माइनस डबल सिंगल माइनस, तो इसको बोलते हैं रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, याद रखना। मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो ये कार्बोनायन दो दो ऑक्सीजन पे जा रहा है, लेकिन ये प्लस आई क्या कर रहा है, डी स्टेबिलाईज, यहाँ पे कितने प्लस आई डी स्टेबिलाईज कर रहा है, एक, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक प्लस आई डी स्टेबिलाईज कर रहा है और एक प्लस आर डी स्टेबिलाईज कर रहा है, ये क्या है प्लस आर और ये क्या है प्लस आई, और यहाँ पे कितने प्लस आर हैं, दो दो प्लस आर हैं,
क्रॉस कॉन्जुगेशन से क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5 में, टेल मी, 3 वाला ना, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, सही है ना? जी सर। सर 4 और 5 में कैसे कंपेयर किया? बहुत अच्छी तरीके से किया है कि देखो ये 4 में एक प्लस आ रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये ऑक्सीजन में माइनस आ जाएगा बराबर, लेकिन ये क्रॉस कंजुगेशन से माइनस आर ऑक्सीजन पे आएगा, डबल सिंगल लोन पे है, तो ये प्लस आर क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। इसमें प्लस आर कितने हैं, दो ना, इसमें एक प्लस आर एक प्लस आई है, इसमें दो दो प्लस आर डिस्टेबलाइज करेंगे बराबर। हाँ सर, हाँ सर। अब बताओ तुम्हारा समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? जी सर। फोर और फाइव में रेजोनेंस से डिस्टेबलाइजेशन होगा, डिस्टेबलाइजेशन नहीं, क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन ऑफ OC2H5 डिस्टेबलाइज व्हाट, कार्बोएनायन बराबर, समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्यों, क्योंकि आगे कहीं गलती नहीं करोगे बराबर। हाँ सर। नेक्स्ट बताएं, बोलिए 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 जल्दी। नेक्स्ट सर, रुक जाए प्रॉपरली कॉपी कर लीजिए सर, टाइम हो गया। क्या टाइम हो गया, अभी कहाँ हुआ, अभी तो हाफ एन आवर बाकी है। नहीं सर, हो गया। नहीं सर। अब देखो मैं इसी पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सॉल्व करना, मस्त क्वेश्चन है, डिफिकल्टी अच्छी है वो भी, कहो तो बोले। सर एक मिनट कॉपी कर लीजिए। कर 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 कर। सर एक सेकंड, प्रीवियस पेज भी दिखाई है ना, पहले एक को इसको कॉपी कर लो तब दिखाते हैं प्रीवियस। हाँ सर, इसके बाद आपने इसमें क्या, कौन सा इफेक्ट दिखाई? मैंने क्या देखा, कुछ नहीं देखा, एनायन देखा, कार्बोएनायन बना लिया, कार्बोएनायन डबल सिंगल बाइनर, डबल सिंगल बाइनर, दोनों दोनों ऑक्सीजन पे जा रहे हैं, यहाँ पे प्लस आई क्या करेगा, डिस्टेबलाइज, कितने प्लस आई हैं, एक और एक दो, ये प्लस आई है ना, बोलो तो इसमें कितने प्लस आई हैं, बोलिए आप ही बताइए। इसमें इसमें जहाँ मैंने पेन रखा है, तो इसमें कितने हैं, एक, इसमें कितने प्लस आई है, जीरो, ये सबसे ज्यादा स्टेबल यही हो गया ना, प्लस आई माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा, यहाँ पे और ज्यादा इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे प्लस आई है, और ये क्या है, प्लस आर है ना, क्रॉस कंजुगेशन से डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन देगा ना प्लस आर से, तो और ज्यादा क्या हो गया, स्टेबल या अनस्टेबल, और इसमें कितने प्लस आ रहे हैं, बोलो, दो, और ज्यादा क्या हो गया, स्टेबल या अनस्टेबल, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा हो गया, बोलो बेटा, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, थ्री, तो रेट ऑफ इनोलाइजेशन किसका ज्यादा होगा, कॉमन सेंस, बहुत भारी चीज है, नहीं ना, नहीं ना। देखो पेज नंबर 13, एक तो क्वेश्चन रुक रे, क्वेश्चन देने दे, एक मिनट ले तेरे, ये हो गया, हैप्पी बोल बेटा, 11 हो गया, हो गया, हो गया, मैं तो अभी एक बताऊंगा आपको क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर जो भी है थर्ड लिख देते हैं, और ये सॉल्व कौन करेगा, आप, क्वेश्चन कैसा है, अच्छा है,
थ्योरेटिकली सॉल्व करना। बच्चों जी सर सॉल्व करोगे ना? जी सर। वन टू थ्री फोर फाइव रेट ऑफ इनोलाइजेशन इन ऑल फॉर्मेशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन ऑल फॉर्मेशन। बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है भाई, एट पे बहुत सारे लोगों ने लिख दिया। सर एक मिनट, अपने एक और बनाया है। तेजस गलत है, बहुत लोगों का गलत है। बहुत लोग सोचा ही नहीं क्वेश्चन किसी ने, एक्चुअली सोचा नहीं क्वेश्चन और कुछ नहीं। जल्दीबाजी में तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने, यही तो हम लोग को सिखाना है यार। बहुत जल्दी ये मिराज कौन है? मिराज ने सही किया सर। पहले तो थ्री हो जाएगा, उसके बाद होगा टू, उसके बाद होगा फोर, उसके बाद होगा फाइव, उसके बाद वन होगा। सर थ्री पहले क्यों आया? क्योंकि उसका एनायन ज्यादा स्टेबल है। मतलब कैसे? वैसे ही जैसे मैंने बताया है। अब ये प्लस आर की तरह थोड़े काम कर रहा है, यहाँ पे नहीं है ना ऑक्सीजन, ये दूर है, ये माइनस आई की तरह एक्ट करेगा। एनायन ज्यादा स्टेबल होगा ना? हाँ बोलो। जी सर मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बोलो जल्दी। सही बोल रहा हूँ। ये इसका बनाओगे ये ना? समझ गया, हम समझ रहे हैं, जल्दी समझते हो। इधर देखो, ये माइनस चार और ये ऑक्सीजन दे दिया, तो सिर्फ माइनस आई एक्ट करेगा। ये माइनस आई की तरह एक्ट किया ना? जी सर। ये क्या हो जाएगा? स्टेबल होगा ना? हाँ। फिर दूसरा एनायन बनाया ये वाला, अब वो नंबर देख लेना तुम। हाँ सर। प्लस आई से स्टेबल होगा है ना? हाँ सर। और तीसरा होगा थोड़ा कौन सा? अनस्टेबल है ये, ज्यादा स्टेबल है ना, मोर स्टेबल। देन फिर से जिसमें नीचे ऑक्सीजन है उसमें। हाँ उसके बाद मैंने ये बनाया, सबका मैं बना देता हूँ ना, देखो ना। और आप देखो इसके क्रॉस कॉन्जुगेशन से डी स्टेबलाइज होगा ना? सर यहाँ पे डी स्टेबलाइज क्यों हुआ? अबे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा बेटा ऑक्सीजन पे, और ये प्लस आर की तरह एक्ट किया, तो ये उसी ऑक्सीजन पे क्या होगा? माइनस आर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है ना प्लस आर से। हाँ सर। बोलो सही है ना? हाँ सर। हाँ सर। और इसके बाद शायद मैंने दिया है ये NH। इसके बाद समझ गया नहीं, लेकिन मेरे को समझाना है सबको। ये माइनस चार्ज है ना, ये प्लस आर पावर ज्यादा है ना इसका। बोलो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। और इसमें कितने प्लस आ रहे हैं लास्ट वाले में? दो दो प्लस आ रहे हैं ना भाई। बच्चों
क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया था। ये प्लस आर, ये भी प्लस आर, दो दो प्लस आर था, तो दोनों प्लस आर क्या करेंगे, ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे ना बच्चों। जी सर। अब बताओ समझा कि नहीं समझा? समझा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उसका, सबको समझ गया है? फर्स्ट में थर्ड में ना माइनस आई माइनस आर आपने नहीं लगाया। ये प्लस माइनस आर नहीं है ना, ये ऑक्सीजन तो प्लस आर है ना भाई बच्चे। सर वही प्लस आर आपने नहीं लगाया ना। प्लस आर लगाया है ना मैंने। नहीं नहीं, ये फर्स्ट में आपने नहीं लगाया क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब हाँ इसलिए नहीं है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है ना, इस ओ डबल बॉन्ड के साथ रहता वो तब होता ना, दूर है ना, यहाँ पे सी एच टू है, समझा? तो मैं तो आपको सो मेरे आंसर सही था, हाँ आपका वही दो थ्री फोर में गड़बड़ था, सही कह रहे हो, तीजा सही कर, एक में चेंज था, समझा? ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, आज बताने में हम लोगों बहुत वो था, इसीलिए मैं आरडीएस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था, बहुत ज्यादा कई बार समझाया, रुक के समझाया, तीन बार समझाया, चार बार समझाया, राइट पांच बार समझाया, बार बार समझाया कि वो आ जाएगा तो बना ही डालोगे उसके बाद, ओके yes, इसीलिए मैंने आरडीएस पे कंसंट्रेट किया था, उसको एक बार जाके घर में फिर से रिवाइज करना, नहीं तो भूल भी जाता है, और जाके वो जो जो क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं सब सॉल्व करना, सब छोड़ना मत किसी को, सब सॉल्व करना है, तब जाके अच्छा आएगा हर चीज। तो आज भी आपने कोई दो शीट भेजी ना? आज भी भेजी मैंने दो शीट नहीं भेजी, दो क्वेश्चन बैंक भेजे हैं, एसरिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, सब सॉल्व करो, ठीक है? ओके थैंक यू, बाय बाय। सब जीओसी करना है। हाँ बोलो बोलो, किसी को कुछ पूछना है? जीओसी का था ना एसडी पर बेसिक, कौन सा जो भेजा आपने दो क्वेश्चन बैंक? हाँ 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 हाँ, अब इसका भी भेजेंगे, आईसीएमएम का भी भेजेंगे, जो जो पढ़ाएंगे उसको उसी के हिसाब से भेजेंगे, ठीक है? जी सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। टाटा ने Thank you.